नमस्ते छात्रों, आज हम चित्र के आधार पर हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी का शेर यह पाठ देखने वाले। आप कहोगे छात्रों, शेर आपको तो पता ही है, आप जब छुट्टियां हो, जैसे कि आपके पाठशाला को जब गर्मी के मौसम में जब छुट्टियां लगती है, तो छुट्टियां के दिन आपका जो पूरा का पूरा जो परिवार है वह शेर के लिए जाता है। आप कहोगे शेर का मतलब क्या है, तो शेर यानि मन बहलाने के लिए आप जो किया जाने वाला जो भ्रमण है या किसी रमणीय स्थल पर आप घूमने या फिरने के लिए कभी जाते हो तो उसे शेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो शेर कहा जाता है। तो देखो छात्रों, तो आपको तो पता ही है, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी ये कक्षा का शेर ये सुंदर सा पाठ हम देख रहे हैं। आपको तो आपको सबसे पहले पेज नंबर 2 निकालना है। इसके पहले हमने मेला देखा था। अब हम 4 चित्र देखने वाले, क्या देखने वाले, 4 चित्र देखने वाले हैं। और वह चित्र के आधार पर हम आज चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले आपको तो पता ही है, जब आप घूमने फिरने के लिए जाते हो, जो कि वहाँ पर रमणीय स्थल हो, वहाँ पर आप घूमने फिरने के लिए जाते हो या मन बहलाने के लिए आप जाते हो, तो उसे शेर कहा जाता है। लेकिन लेकिन छात्रों, शेर के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, तो आपको जब आपका पूरा का पूरा जब परिवार आप घूमने जा रहे हो, तो जब घूमने जा रहे हो तो आपको तो पता ही है, आप किससे जाते हो, एक बस से जाते हो या उसके अलावा बंदरगाह हो, बंदरगाह से जाते हो, या उसके अलावा एरोप्लेन से जाते हो, या उसके अलावा रेल से जाते हो, जैसे कि आप उसे ट्रेन कहते हो, या उसके अलावा आपके पास घर की खुद की बाइक जो कि गाड़ी हो, तो वह गाड़ी से आप जा सकते हो। लेकिन लेकिन छात्रों, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये जो 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि आपको यहाँ पर शेर में 4 चित्र दिए गए हैं। 4 चित्र कौन से, पहला चित्र है बस स्थानक, दूसरा बंदरगाह, तीसरा हवाई अड्डा, चौथा रेल स्थानक। ये सबसे पहले आपको ये सारा पेज नंबर 2 और 3 आपको किताबें निकालनी है और वह चित्र का सबसे पहले निरीक्षण करना है। तो छात्रों, आप जब स्कूल को, जो आपके पाठशाला को जब छुट्टियां लगती है या आपके पिताजी को कभी छुट्टियां होती है, तब आप जबकि मन बहलाने के लिए कहीं पर भ्रमण करते हो, शेर के लिए जाते हो, तो जब आप शेर के लिए जाते हो तो कैसे जाते हो, तो आप एक तो बस स्थानक से जाते हो या बंदरगाह, जैसे कि बंदरगाह आप कहोगे बंदरगाह यानी क्या, तो ये भी हम देखने वाले हैं। या उसके अलावा हवाई अड्डा हो या उसके अलावा रेल स्थानक हो। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं बस स्थानक। क्या देखने वाले छात्रों, तो आज हम जो एक चित्र के बारे में, जो कि हम सबसे पहले उसका निरीक्षण करने वाले हैं और उन पर आज चर्चा करने वाले हैं। कौन से चित्र पर, तो यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं। 4 चित्रों में से हमसे सबसे पहले हम बस स्थानक के बारे में देखेंगे। आपको तो पता ही, आप शहर के लिए जब निकलते हो तो ऐसा सोचिए, आपके घर पर कोई गाड़ी नहीं है, तो आपको बस से कहीं पर सफ़र करना हो, शहर के लिए जाना हो कहीं पर भी, आप जैसे कि कभी महाबलेश्वर जा सकते हो या औरंगाबाद जा सकते हो, जैसे कि औरंगाबाद में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको दौलताबाद का किला वहाँ पर दिखेगा, उसके अलावा आप जो भी कोई तीर्थ यात्रा पर जाते हो, तो कहीं पर भी जाइए, आप शहर के लिए कहीं घर से आप निकले हो तो आपको तो पता ही है। आप ऐसा सोचिए, आज आप बस से आप कहाँ जा रहे हो, शहर के लिए निकल रहे हो, तो आपको तो पता ही है, आपने तो बस देखी है। छात्रों, जब आप बस स्थानक पर जब पहुँचते हो, तो पहुँचने के बाद आपको तो पता ही है, जो बस स्थानक होता है वह
उसका आप दृश्य तो आपके आंखों के सामने है। जब वह बस स्थानक आप देख रहे हो तो बस स्थानक पर आपको क्या क्या दिखाई देता है? देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है छात्रों, वह चित्र का आपको सूक्ष्म निरीक्षण करना है। सबसे पहले वह चित्र का निरीक्षण कीजिए और वह बस स्थानक पर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या देखिए। ये तो मुझे तो ऐसा लग रहा है छात्रों, ये जो बस स्थानक होता है वह खुली जगह पर, खुले मैदान पर वहाँ पर होता है। यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है चित्र में भी। देखिए यह एक बस स्थानक है का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। यह बस स्थानक पर काफ़ी बड़े और खुले मैदान पर बना हुआ है। बस स्थानक में सबसे पहले जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश करते ही आपको वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, देखिए क्या दिखाई दे रहा है छात्रों, एक स्लोगन वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जब बस स्थानक के अंदर जब प्रवेश करते हो तो वहाँ पर क्या दिखाई दिया है, देखिए जो आपकी जो यात्रा है वह यात्रा, जैसे कि आपको तो पता ही है, यात्रा सुखद हो, जैसे कि सबसे प्रवेश द्वार पर ही लिखा होता है। क्या लिखा होता है? आपकी यात्रा सुखद हो। तो सबसे पहले आप जब प्रवेश करते हो तो प्रवेश करने के बाद कहाँ पर, बस स्थानक पर जब आप प्रवेश करते हो तो वहाँ पर सबसे पहले जो यात्रीगण जहाँ पर होते हैं वहाँ बैठने के लिए उन्हें चेयर वहाँ पर बैठ, जो कि वहाँ पर एक बैठने के लिए जगह होती है। काफ़ी बड़ा जो स्थान होता है वहाँ पर आपको जो यात्रीगण होते हैं वह यात्रीगणों के लिए चेयर, जैसे कि कुर्सियाँ वहाँ पर होती है। उसके बाद आपको देखिए सामने ही आपको एक बस भी वहाँ पर खड़ी आपको दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है छात्रों, देखिए चित्र में तो आपको एक सामने ही एक बस खड़ी हुई आपको वहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके ही पास में यात्रियों की सुविधा के लिए स्वच्छता गृह बना हुआ है। देखिए आपको तो पता ही है, बस स्थानक पर जो भी बस है वह कहीं पर भी खड़ी होती है क्या? तो बिल्कुल नहीं, वह भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको चित्र में जहाँ पर जो बस खड़ी हुई है उसके बाजू में ही वहाँ पर आपको एक स्वच्छता गृह आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है हाँ। तो उसके पीछे एक नारियल का आपको बड़ा सा पेड़ भी वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर देखिए छात्रों, दूसरी ओर आपको पीने के पानी के लिए, जैसे पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है, जैसे कि प्लॉट क्रमांक एक, प्लॉट क्रमांक दो, प्लॉट क्रमांक तीन के बाजू में ही आपको, प्लॉट क्रमांक एक के बाजू में ही वहाँ पर आपको एक पीने के पानी की व्यवस्था वहाँ पर की गई। हर बस स्थान पर पीने की व्यवस्था हो, स्वच्छता गृह हो, उपहार गृह हो, जैसे कि, और उसके बाद छोटे छोटे स्टॉल भी लगे हुए रहते हैं, जैसे कि किताबों की हो, समाचार पत्र हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें बस स्थानों पर मौजूद होती है। उसके अलावा बस जहाँ पर देखिए पीने के पानी के बाजू में ही वहाँ पर बस खड़ी करने के लिए अलग अलग प्लॉट क्रमांक निर्धारित किए गए हैं। देखिए हर, आपको तो पता है, हर मार्ग की जो गाड़ियाँ होती है वह गाड़ियों के लिए अलग अलग प्रकार के प्लॉट क्रमांक वहाँ पर होते हैं। देखिए उसी प्रकार की हर बस स्थानक पर व्यवस्था होती है, तो यहाँ पर भी आपको यह चित्र में दिखाई दे रही है। उसके अलावा देखिए वहाँ दो बस खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। तो वहाँ पर दो बस वहाँ पर खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद एक बस की छत पर सामान रख दिया गया है। देखिए जो आपको एक बस दिखाई दे रही है उसमें ड्राइवर भी मौजूद है, कुछ वहाँ पर जो प्रवासी जो कि तीर्थ यात्री करीबी वहाँ पर मौजूद है, तो उसके छत पर आपको कुछ सामान जो भी उसका जो छत है, बस का जो छत है उस पर सामान रखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए यात्रा जो यात्री है बस में चढ़ रहे हैं, बस पर सूचना भी वहाँ पर दी गई है। देखिए एक यात्री बस के अंदर चढ़ रहा है और वहाँ पर ऊपर वो छत के जो सामान रखा है वहाँ पर एक स्लोगन भी आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक सुंदर सी हम स्लोगन वहाँ पर पढ़ेंगे, देखिए क्या है स्लोगन, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। क्या है स्लोगन वह बस पर, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। यहाँ पर एक सुंदर सा स्लोगन वहाँ पर दिया गया है, इसका अर्थात बस एक सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुँचाना चाहिए। देखिए ये जो स्लोगन है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति, इसका जो अर्थ इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, सार्वजनिक जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसे
उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसा एक सुंदर सा स्लोगन यहाँ पर दिया गया है। और देखिए बस स्थानक पर तो आपको तो पता है कई यात्री हम अपने अपने सामान के साथ इधर उधर जा रहे हैं, आपको वह चित्र में दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति वहाँ पर समाचार पत्र बेचते हुए भी आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए दिखाई दे रहा है छात्रों, एक समाचार पत्र विक्रेता जो कि समाचार पत्र वहाँ पर बेच रहा है, कहाँ पर? बस स्थानक पर। और देखिए एक व्यक्ति शीतल पेय, देखिए एक व्यक्ति शीतल पेय बेच रहा है, जो कि उसके सिर पर कुछ ठंडे ठंडे जो कि आप जैसे कि पानी की बॉटल हो, उसके अलावा छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ गोलियां हो, कुछ खाने की चीज़ें हो, वहाँ पर बेचते हुए आपको दिखाई दे रहा है बस स्थानक पर। और एक बच्चा, देखिए उसके ही बाजू में एक बच्चा अपने पिता से शीतल पेय खरीदने के लिए कह रहा है। देखिए छात्रों, वह अपने पिताजी के साथ है, वो उसने अपने पिताजी का हाथ थामा है और वह आगे आने वाले व्यक्ति को जो भी उनके पास जिसके पास शीतल पेय उसे कह रहा है, पिताजी ये शीतल पेय मुझे लेना है। तो देखिए बस थल मार्ग जो कि परिवहन जो है, यहाँ पर आप जब प्रवेश करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि स्वच्छता गृह, पीने के पानी। तो इसके अलावा भी बस स्थानक पर आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती है। जैसे कि आप कभी बस में जब प्रवेश करते हो तो वहाँ पर आपको कुछ सूचनाएँ दी जाती है, विनामूल्य टिकट मत जो कि विनामूल्य आप प्रवेश जो कि प्रवास है आपका वह यात्रा है आपकी वह ना करें। उसके अलावा हर जगह जगह सूचनाएं दी जाती है, कचरा मत डालिए। उसके अलावा आप बस स्थानक पर जहां पर पहुंचते हो तो बस स्थानक पर भी आप पहुंचने के बाद वहां पर पहुंचने के बाद आपको जो कि हर जगह जगह शांतता रखिए। उसके बाद वहाँ पर लाउड स्पीकर भी होता है, चौकसी कक्ष भी होता है, जैसे कि आने जाने वाले का जो समय होता है, समय पत्रक भी वहाँ पर बना हुआ रहता है। तो हर चीज़ बस स्थानक पे होती है, जो आने वाली गाड़ी, जाने वाली गाड़ी, जो भी जाने वाली जो उसका मार्ग है, वो सारी की सारी जो चीज़ें हमें बस स्थानक पर मिलती है। तो आप शहर के लिए जा रहे हो तो ये भी आपको इम्पॉर्टेंट होना, जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रवेश कर रहे हो तो वहाँ पर जो सूचनाएं दी गई है वो सूचनाओं का पालन भी आपको करना है। उसके बाद जहाँ पर जो आपको जहाँ पर सफ़र करना है तो सफ़र करते समय आपको आपकी जो लगने वाली जो गाड़ी है, प्लॉट क्रमांक 1 पर आने वाली है, 2 पर आने वाली है, 3 पर आने वाली है, 4 पर आने वाली है, जहाँ पर भी आने वाली है वहाँ पर आपको ठहरना है। उसका आने वाला जो समय है, जो भी आपको समय पत्रक वहाँ पर दिया गया है वहाँ पर देख सकते हो, या उसके अलावा आप जो चौकसी कक्ष होता है वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो। तो आपको तुरंत, तो देखिए छात्रों आप सफ़र कर रहे हो, सैर कर रहे हो, तो सैर करते समय आप सबसे पहले जो पहला जो चित्र है वो चित्र आज हमने देखा, किसका चित्र देखा? तो बस स्थानक का हमने चित्र देखा। तो छात्रों जब आप शहर के लिए निकलते हो तो आपको जाते जाते क्या करना है, एक कापी लेनी है। और कापी जब आप तो सफ़र कर रहे हो, सैर कर रहे हो, तो सैर जब कर रहे हो तो आप ऐसा सोचिए आप बस स्थानक से प्रवेश यात्रा कर रहे हो, तो आपको आने वाले आपको बस स्थानक पर दिखने वाली हर चीज़, हर सूचनाएँ, वहाँ पर बेचने वाले व्यक्ति, वहाँ पर और क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पर दिखाई देती है, आपका सफ़र किस प्रकार का जाता है, तो आपको इस पर चर्चा करनी है। और चर्चा करते करते आपके कापियों में 10 पंक्तियाँ आपको या उससे ही ज़्यादा पंक्तियाँ आपको लिखनी है। तो देखिए छात्रों, तो आज हमने क्या देखा, तो आज हमने शहर में बस स्थानक देखा। देखिए शहर, मैंने पहले ही आपको बताया था शहर में 4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि बस स्थानक, उसके अलावा बंदरगाह, उसके अलावा हवाई अड्डा, उसके अलावा रेल स्थानक। तो ये सारी की सारी जो चित्र हमें दिखाई दे रही है, तो हमने आज बस स्थानक को देखा है छात्रों। तो और बस स्थानक को आपको सुंदर सी पंक्तियाँ आपके कापियों में लिखना है। तो कल हम बंदरगाह ये चित्र के बारे में कल हम जानकारी देखेंगे।
आज यहाँ यहाँ पर ही रुकेंगे छात्रों। थैंक यू।